बिहार से एक चौंका देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां डिप्टी सीएम रेणु देवी की जुबान ऐसी फिसली कि बिहार के सियासत में भूचाल ला दिया है। तुम्हारा नेता जो सेक्रेटरी है, आरा का ज्यादा और कहां का तुम्हारा और नेता है जो कहता है कि नहीं एग्जाम, वो हम कहे कि मोतिहारी और बेतिया करो, तो तुम लोग कहता है कि नहीं सारा, तुम लोग कहते हो कि नहीं मुजफ्फरपुर ही होगा, तो करो। जी हाँ, यह तस्वीर को गौर से देखिए, यह भाजपा कोटे से उप मुख्यमंत्री रेणु देवी की तस्वीर है, जो छात्रों को समझाने गए थे, जहां इनकी जुबान ऐसी फिसली कि बिहार के सियासत में बवाल मचा दिया है। इस वीडियो को फिर से गौर से देखिए और डिप्टी सीएम के फिसलती जुबान को गौर से सुनिए। तुम्हारा नेता जो सेक्रेटरी है, आरा का ज्यादा और कहां का तुम्हारा और नेता है जो कहता है कि नहीं एग्जाम, वो हम कहे कि मोतिहारी और बेतिया करो, तो तुम लोग कहता है कि नहीं सारा, तुम लोग कहते हो कि नहीं मुजफ्फरपुर ही होगा, तो करो। जी हाँ, यह वीडियो पश्चिम चंपारण की बताई जा रही है, जो तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल पश्चिम चंपारण में छात्र का परीक्षा का तारीख बदल दिए जाने से छात्र नाराज थे और धरना पर बैठ गए थे, जिसे समझाने बुझाने डिप्टी सीएम रेणु देवी गई हुई थी, जहां छात्रों के सामने ही डिप्टी सीएम रेणु देवी की जुबान फिसल गई, जो बिहार में भूचाल ला दिया है। रेणु देवी ने अपनी मर्यादा की सारी हदें पार कर दी, जो वाकई शर्मनाक है। अगर यही बातें आम आदमी के जुबान से बिहार में निकलता तो हर्ष क्या होता, आप खुद समझ सकते हैं। तुम्हारा नेता जो सेक्रेटरी है, आरा का ज्यादा और कहां का तुम्हारा और नेता है जो कहता है कि नहीं एग्जाम, वो हम कहे कि मोतिहारी और बेतिया करो, तो तुम लोग कहता है कि नहीं सारा, तुम लोग कहते हो कि नहीं मुजफ्फरपुर ही होगा, तो करो ज्यादा। अगर आप चाहते हैं समाज और दुनिया के लिए कुछ करना, आपके अंदर है पत्रकारिता करने की जुनून, तो जुड़िए न्यूज प्राइम 24 से। जरूरत है बिहार और झारखंड यूपी के लिए रिपोर्टर कैमरामैन एवं ब्यूरो की।